हाय गाइस, मेरा नाम है पिंटू कुमार शाह और आज मैं आपको वॉल घड़ी का टाइम कैसे देखते हैं ये आपको बताने वाला हूँ। दो घड़ी है मेरे पास, उसका डिस्टेंस आपको दिखा देता हूँ। इतना थोड़ी थोड़ा दूर में डिस्टेंस में हम इसको रखे हैं वॉल घड़ी को, और दोनों ही घड़ी का तुलना आपको करके दिखा देता हूँ कि किस घड़ी कैसे देखा जाता है और कौन सा घड़ी में कैसा नहीं देखा जाता है टाइम। ठीक है, अगर आप बात करते हैं तो सारा घड़ी में टाइम एक ही जैसा देखा जाता है। घड़ी कैसा भी हो को, बस उसको समझने का फेर है कि उसको टाइम कैसे हम देखते हैं। घड़ी आप देखते हैं तो सेम टू सेम इसमें जो आप जैसे देखेंगे उसमें भी दूसरे घड़ी में भी उसी तरह का टाइम रहेगा। बस उसमें क्या होता है कि ये जो साइड साइड से लाइन जो दिया हुआ है, लाइन का डिफरेंस रहता है। इसमें लाइन किसी घड़ी में लाइन दिया रहता है और किसी घड़ी में आपको डॉट डॉट दिया रहेगा। जो डॉट डॉट देख रहे हैं, डॉट डॉट दिया रहेगा, तो इसमें कोई समझने का कोई फेयर नहीं है। एक ही तरीका से सभी घड़ी को वॉल घड़ी में टाइम देखा जाता है। या आप हाथ का घड़ी देखिए या वॉल घड़ी का टाइम देखिए, सबको एक ही किस्म से देखा जाता है। तो आइए आपको अब बताते हैं कि कैसे वॉल घड़ी का टाइम देखा जाता है किसी भी घड़ी में, और आप किसी भी घड़ी में वॉल घड़ी का टाइम अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि इस घड़ी में आप देख रहे हैं, इस घड़ी में साइड साइड में डॉट दिया हुआ है। ये जो साइड साइड में डॉट दिया हुआ है, सारा सेकेंड बोला जाता है। सारा सेकेंड बोला जाता है, सेकेंड किसके लिए बोला जाता है? ये जो पतला सुइया है, इसके लिए हम सेकेंड बोलते हैं। ये सुइया जिस डॉट पर जाएगा वो सेकेंड में होगा। ये जो छोटा वाला सुइया है, ये जिस नंबर पर जाएगा वो घंटा का होगा, यानी हावर का टाइम शो करेगा। और ये जो सुई है, इस सुई को हम लोग मिनट का सुई से हम लोग तुलना करते हैं। अगर ये सुई अगर बूंदा पर भी रहेगा तो मिनट होगा, अगर वन पर रहेगा तो मिनट होगा। ठीक है, तो सबको अलग अलग से नापा जाता है, मगर टाइम देखते हैं एक ही तरीका से हम लोग। जैसे इसमें आप देखते हैं, इसमें भी साइड साइड में लाइन जो दिया हुआ है, सारा सेकेंड का हो गया। सेकेंड किसके लिए हो गया? ये जो सुई चल रहा है, ये सुई के लिए, जिस लाइन पर जाएगा इसमें लाइन है, इसलिए लाइन पर, जिस लाइन पर जाएगा वो सेकेंड के लिए हो जाएगा, और सेकेंड के लिए गिना जाएगा इस सुई के लिए। और ये जो सुई दिया हुआ है, ये मिनट का हो गया। ये जो छोटा वाला सुई दिया हुआ है, ये घंटा के लिए हो गया। जिस भी नंबर पर जाएगा वो घंटा के लिए होगा। ठीक है, घंटा यानी हावर को इसको गिना जाता है। तो सेम टू सेम इस घड़ी में भी आप देख सकते हैं कि इस घर में हम अभी बैटरी नहीं लगाए हुए हैं, इसलिए घर अभी बंद पड़ा हुआ है। हम लोग टाइम जिस भी घर में देखते हैं, समझ का फेरा है। सभी घड़ी में एक ही जैसा टाइम देखा जाता है। इसमें भी देखिए, एक ही टाइम देखेंगे और इसमें भी देखेंगे तो एक ही टाइम देखेंगे। किसी भी घर में हम लोग टाइम देखते हैं तो एक ही तरीका से टाइम देखते हैं। तो ये जो सुइया है ये सेकेंड का हो गया, जिस भी बूंदा पर जाएगा। अगर यहाँ पर भी रहता तो ये जो है, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन पर सेकेंड पर ही इसको गिनती करेंगे, और सारा जो लाइन दिया हुआ है, सारा सेकेंड का लाइन है, देख लीजिए। ठीक है, सारा सेकेंड का लाइन है ये, और इस घर में भी रहेगा तो ये भी सारा सेकेंड का लाइन है। ये जो बूंदा दिया हुआ है, सारा सेकेंड का लाइन है, ये सेकेंड का लाइन है। ठीक है, तो बस सभी घड़ी में एक ही टाइम देखा जाता है। बस अपना अपना समझ का फेर है, किसी व्यक्ति को देखने नहीं आता है, मगर हम अभी पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं कि किसी भी घड़ी में आप टाइम वॉल घड़ी में कैसे देखेंगे। वॉल घड़ी हो या हाथ का घड़ी हो, टाइम आप कैसे देखेंगे वो आपको अभी हम बता दे रहे हैं। अगर ये घड़ी जो है, इसमें बैटरी लगा हुआ है इसलिए घड़ी चल रहा है, और इसमें बैटरी नहीं लगा हुआ है इसलिए घड़ी नहीं चल रहा है, मगर प्रोसेस वही है देखने का। जो भी आप जैसे भी देखेंगे प्रोसेस वही है। हर घड़ी का टाइम देखने का प्रोसेस वही है, सेम टू सेम है। तो ये जो छोटा वाला सुई है, ये अगर चार पर जाएगा तो चार बजेगा, तीन पर जाएगा तो तीन बजेगा, दो पर जाएगा तो दो बजेगा, एक पर जाएगा तो एक बजेगा, बारह पर जाएगा तो बारह बजेगा, ग्यारह पर जाएगा तो ग्यारह बजेगा, दस पर जाएगा तो दस बजेगा, नौ पर जाएगा तो नौ बजेगा, आठ पर जाएगा तो आठ बजेगा, सात पर जाएगा तो सात बजेगा, छः पर जाएगा तो छः बजेगा, पाँच पर जाएगा तो पाँच बजेगा। ये छोटा वाला सुई, ठीक है। और ये जो सुई है मिनट होगा, पाँच मिनट। जैसे बारह पर जाएगा तो अगर बारह पर छोटा ये वाला सुई रहेगा, ठीक है, और ये सुई छोटा वाला चार पर रहेगा, और ये सुई बारह पर रहेगा तो पूरा चार बज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला जो सुई है, यहाँ से जैसे इस एक पर आएगा तो पाँच मिनट होगा, दो पर आएगा तो दस मिनट होगा, तीन पर आएगा तो पंद्रह मिनट, चार पर बीस मिनट, पाँच पर पच्चीस मिनट, छः पर तीस मिनट, सात पर पैंतीस मिनट, आठ पर चालीस मिनट, नौ पर पैंतालीस, दस पर पचास, ग्यारह पर पचपन, बारह पर साठ, यानी साठ मिनट जब होता है तो एक घंटा होता है। ठीक है,
तो ये 60 पर जैसे आएगा तो 4 बज रहा होगा उस समय, तो अभी 5 बज जाएगा। 60 पर जैसे आएगा 5 बज जाएगा। तो सेम टू सेम इस घर में भी उसी तरह टाइम देखते हैं हम लोग। सेम टू सेम वही सुई है, वही है, केवल साइड में बूंदा दे दिया हुआ है, ठीक है। इस पर भी टाइम उसी तरह देखेंगे। ये जो छोटा सुई है ये जिस पर 10 पर रहेगा तो एक घंटा का हो जाएगा, तो 10 बजेगा 11 पर जाएगा तो 11, 12 पर जाएगा तो 12, 1 पर जाएगा तो 1, ठीक है, इसी तरह बजेगा। और ये जो सुई है ये जिस पर 1 पर आएगा तो 5 मिनट होगा, 2 पर आएगा तो 10 मिनट, 3 पर आएगा तो 15 मिनट, 4 पर आएगा तो 20 मिनट और 5 पर आएगा तो 25, 30, 35, इसी तरह करके ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो और ये जो पतला वाला सुई है ये सेकेंड पर हो जाएगा, ये जो भी डॉट पर जाएगा वो सेकेंड पर गिनती करेंगे, सेकेंड पर गिनती करेंगे इस डॉट वाला, इस जो भी डॉट दिया हुआ है इस पर सेकेंड पर गिनती करेंगे इस सुई को, ठीक है। तो ये घड़ी जैसे देखते हैं आप सपना का घड़ी है, और ये घड़ी एशियन का है, एशियन का है, ठीक है। तो टाइम हम लोग एक ही प्रोसेस से देखते हैं, किसी भी घड़ी में आप देखिए, किसी भी घड़ी में देखिए आप एक ही तरीका से टाइम देखते हैं, बस समझ का फिर होता है। बूंदा रहता है तो किसी किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आता, लाइन रहता है तो किसी किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। मगर हम लोग टाइम देखते हैं एक ही प्रोसेस से, एक ही तरीका से हम लोग टाइम देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का टाइम हम लोग देखते हैं, इस घर में भी इसी तरह टाइम देखेंगे। इस घर का देखिएगा डिजाइन काफ़ी अच्छा डिजाइन दिया हुआ है, दो मोड़ दिया हुआ है, डिज़ाइन अच्छा दिया हुआ है। और ये सिंपल में घड़ी हो गया, ये सिंपल में हो गया घड़ी, राउंड में है, ठीक है, गोलाकार में है, राउंड में है, सिंपल में हो गया, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है, मगर इसमें डिजाइनिंग है। कैसा भी घड़ी हो को, डिजाइनिंग हो, घंटा वाला हो घड़ी, कैसा भी घड़ी हो को, आप टाइम देखने का प्रोसेस यही है। किसी भी वाल घड़ी में आप टाइम इसी तरह का देखिएगा तो आप आसानी से टाइम देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यदि आपको टाइम देखना अभी भी नहीं आता है, बच्चा लोग को स्टार्टिंग में बच्चा लोग को टाइम देखने नहीं आता है, तो आप उसको इस तरह का सिखा सकते हैं कि टाइम हम किस तरह देखते हैं वाल घड़ी में। जैसे छोटा वाला है तो 10 पर है तो 10 बज गया, 11 पर गया तो 11 बज गया, 12 पर गया तो 12 बज गया, ठीक है। और ये जो सुइया है ये जिस पर जाएगा, 1 पर जाएगा तो 5 मिनट होगा, 2 पर जाएगा तो 10 मिनट होगा, ठीक है। तो जैसे 10 पर है, 10 पर है और ये सुइया यहाँ पर है, तो ये 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, तो बूंदा को हम लोग एक मिनट पर गिनेंगे इस सुइया के लिए, इस सुइया के लिए 1 मिनट गिनेंगे। तो 5 पर हो जाएगा 5 मिनट, 6, 7, 7 पर है ये तो 7 मिनट हो गया, यानी 10:07 मिनट इसमें दिखा रहा है। इसी तरह सेम टू सेम इस पर भी देखेंगे हम कि छोटा वाला सुई है तो 4 से ज़्यादा चल गया हुआ है, ठीक है। और ये जो सुइया है ये 6 से ज़्यादा हो गया, यानी अगर ये सुइया यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 31, 32, 33, यानी 33 मिनट हो रहा है, 4:33 मिनट इस पर दिखा रहा है इस घड़ी में। इस तरह का हम लोग टाइम देखेंगे तो आप आसानी से टाइम सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति को टाइम देखने नहीं आता है, किसी बच्चा को टाइम देखने नहीं आता है, तो उसको आप टाइम इस तरह का सिखा सकते हैं और बहुत आसानी से वो सीख जाएगा टाइम देखना, आपको परेशानी नहीं होगी। किसी भी घड़ी में और टाइम देख लेंगे, जैसे मोर का घड़ी है तो इसमें भी डिज़ाइनिंग दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ है घड़ी का, और ये सिंपल में घड़ी है। फिर भी आप कैसे भी घड़ी में, कैसे भी वाल घड़ी हो, आप उसमें टाइम आसानी से देख सकते हैं और आसानी से आप टाइम को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी घड़ी में आप देख सकते हैं। जैसे आपको हाथ का घड़ी एक दिखा देते हैं कि हाथ का घड़ी में भी सेम प्रोसेस होता है देखने का, टाइम कैसे देखा जाता है हाथ का घड़ी में भी बता देते हैं आपको। जैसे कि ये हाथ का घड़ी है, हाथ का घड़ी है, क्लियर आ गया, ये हाथ का घड़ी है, टाइम एक ही प्रकार का देखेंगे हम। अब देखिए इसमें दिया हुआ है साइड में जितना भी दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है और गाढ़ा करके डॉट दिया हुआ है, गाढ़ा करके मोटा करके लाइन दिया हुआ है और पतला हल्का लाइट लाइन में लाइन दिया हुआ है। तो इसमें दिखाया हुआ 12 नंबर, इसमें दिया हुआ है 12, 3, 6, 8, 9, 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी टाइम हम सेम टू सेम उसी तरह देखेंगे। ये जो गाढ़ा कलर का ब्लैक कलर में दिया हुआ है इसको हम 1 मानेंगे, 12 बजे के बाद 1 मानेंगे इसको। ये जो गाढ़ा कलर का दिया हुआ है 2 मानेंगे इसको, 3 तो मेंशन किया हुआ ही है, ये गाढ़ा कलर का 4 मानेंगे इसको, ये गाढ़ा कलर का 5 मानेंगे, या ये 6 तो दिया हुआ ही है तो 6 इसको मानेंगे। इसके बाद में ये जो दिया हुआ है गाढ़ा करके इसको 7 मानेंगे, इसको 8 मानेंगे, इसको 9, 10 और ये गाढ़ा कलर का दिया हुआ है तो यहाँ पर 11 नहीं लिखा हुआ है मगर इसको 11 मानेंगे। तो टाइम एक ही प्रोसेस से हम लोग देखते हैं, बस समझ का फेर है कि इसमें नंबर नहीं दिया हुआ है। तो
नंबर नहीं दिया हुआ है, मगर समझ आप समझ लीजिएगा, जो भी गाढ़ा कलर का दिया रहेगा, नंबर नहीं दिया रहेगा तो उसके बाद में जो नंबर आता है वो नंबर होगा। जैसे 12 के बाद में ये जो गाढ़ा कलर का दिया होता है, एक बज रहा है अभी, ये दो बज रहा है, ये तीन बज रहा है, ठीक है, इस तरह का आपको देखते हैं। यहाँ पर भी सेकेंड यहाँ पर भी इसी तरह होगा। ये पतला वाला जो है, ये पतला वाला सुई जो चल रहा है, इसके लिए सेकेंड हो जाएगा, ये जो सुइया है इसके लिए मिनट हो जाएगा पतला वाला लाइन, और ये जो छोटा वाला सुइया है ये घंटा के लिए हो जाएगा, हावर के लिए, जिस पर जैसे अभी चार से ज़्यादा है तो चार, सपोज ये अगर सुइया चार पर रहेगा तो चार बजेगा, तीन पर रहेगा तो तीन बजेगा, और इस पर रहेगा तो दो बजेगा, इस पर रहेगा तो एक रहेगा, इस पर बजेगा तो 12 बजेगा, इस पर बजेगा तो 11 बजेगा, ठीक है, इस तरह करके आप टाइम देख सकते हैं। तो किसी भी घड़ी में आप टाइम आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सैमसंग का घड़ी है, सैमसंग का, आप किसी भी घड़ी में आप आसानी से टाइम देख सकते हैं। इस वही सेम टू सेम वही प्रोसेस है घड़ी का टाइम। आदमी लोग बोलता है कि घड़ी का टाइम कितना, घड़ी को देख के उसको समझ में नहीं आता है कि घड़ी का टाइम कितना बज रहा होगा, कितना नहीं बज रहा होगा, उसको समझ में नहीं आता है, मगर इसमें हम आसानी से आपको समझा दिया, प्रोसेस वही होता है घड़ी का देखने के लिए, एक ही प्रोसेस होता है घड़ी का टाइम कैसे देखते हैं, वाल घड़ी का या रिस्ट घड़ी का, हाथ घड़ी का कैसे टाइम देखते हैं, एक ही प्रोसेस होता है, बस उसको समझ का फेर होता है कि हम देखें कैसे। तो आप किसी भी बच्चा को आसानी से इस घड़ी का टाइम आप दिखा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि कैसे घड़ी देखा जाता है, टाइम कैसे देखता है, उसमें सेकेंड कैसा है, सारा चीज़ आप उसमें बता सकते हैं। अब सेकेंड पर तो हम इस घड़ी में सेकेंड नहीं गिनती करते हैं, इस घड़ी में जो ये पतला वाला स्विच सेकेंड पर भागेगा, जैसे यहाँ पर चल रहा है, तो ये सेकेंड पर हम गिनती नहीं करते हैं, बस टाइम देखते हैं। यहाँ पर 4:00 यहाँ पर 30 हो गया, ये 6:30, 7:35, 2 इधर चल गया तो 37, तो 37 हो गया, जैसे साइड वाला मिनट हो गया इसके लिए, ये सुइया के लिए साइड के लिए मिनट हो गया, ये पतला वाला सुइया सेकेंड, सेकेंड इस पर हम नहीं देखते हैं, वो जो घड़ी चलता है उस पर हम सेकेंड देखते हैं। तो इस पर डायरेक्ट टाइम घंटा देखते हैं और मिनट बताते हैं आदमी लोगों को कि कितना घंटा बच गया, कितना मिनट हो गया, ठीक है, तो यही दिखाते हैं। अभी आपको हम वो जो सेकेंड का घड़ी चलता है, यानी काउंटिंग नंबर का घड़ी जो चलता है, उस घड़ी का भी आपको हम कैसे देखा जाता है उसमें भी बता देता है, क्योंकि घड़ी का वाल घड़ी देखिए या रिस्ट का घड़ी देखिए, सबका सेम ही प्रोसेस होता है देखने का, टाइम सबका प्रोसेस सेम ही होता है कि टाइम हम कैसे देखते हैं, ठीक है, वो भी आपको हम बता दे रहे हैं कि कैसे देखा जाता है उसमें। जैसे कि ये हो गया काउंटिंग वाला घड़ी, ठीक है, इसको ऑन करते हैं, इसको ऑन करके देख रहे हैं ऑन कैसे होता है, इसको एक घड़ी में कुछ फॉल्ट है, शायद ऑन नहीं हो रहा है, एक्चुअली में ऑन ये हो चुका है मगर डार्क नहीं आ रहा है, इसमें डार्क में नहीं बता रहा है घड़ी कि आपको हम दिखा है, तो इसको खोल के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक घड़ी पर आपको टाइम अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर भी अच्छे से टाइम नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका बैटरी डाउन हो चुका है, ठीक है, बैटरी डाउन हो चुका है इसलिए टाइम आपको अच्छे से दिख नहीं रहा। दूसरा घड़ी में आपको हम सेम टू सेम इसी तरह घड़ी का निकाल कर दिखा रहे हैं आपको, एक्चुअली में अभी आप देख रहे होंगे, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये घड़ी 10:10 नंबर 41 और यहाँ पर सेकेंड चल रहा है 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, तो इसमें हम अगर देखते हैं घड़ी में टाइम, तो इसमें सिंपल से कोई भी देख देगा 10:41 और 31 सेकेंड हो रहा है, सेकेंड भी आप इसमें बता देते हैं कि इतना सेकेंड हो रहा है, मगर इसमें हम लोग क्या करते हैं सेकेंड नहीं बताते हैं, इसमें केवल घंटा और कितना घंटा हो रहा है और कितना मिनट हो रहा है वो हम बताते हैं सिंपल सा, इसमें सेकेंड हम लोग वाल घड़ी में नहीं बता पाते हैं, रिस्ट घड़ी में भी हम लोग इसमें काउंटिंग वाला में नहीं, नंबर वाला में ये जो चल रहा है इसमें हम नहीं बता सकते हैं, मगर ये जो घड़ी है इसमें हम लोग बता देते हैं कि कितना सेकेंड हो रहा है, सेकेंड भी हम लोग बता देते हैं। तो इसमें सिंपल सा दिया हुआ है 10:42, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह का देखा जाता है घड़ी। तो किसी भी घड़ी में आप आराम से देख सकते हैं कि घड़ी का टाइम कितना हो रहा है, सेकेंड कैसे हो रहा है,
सेकंड कितना हो रहा है, मिनट कितना हो रहा है, किसी भी घड़ी का देखने का प्रोसेस एक ही होता है। आप कभी भी इसको देखकर आप चौंकिएगा मत कि कैसे देखेंगे, मिस अंडरस्टैंडिंग मत कीजिए कि कैसे देखेंगे घड़ी का टाइम और उसका सेकंड कैसे देखेंगे। तो किसी भी वॉल घड़ी हो को या रिस्ट घड़ी हो को, कोई भी घड़ी हो को, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, सिखा सकते हैं कि टाइम देखने का प्रोसेस एक ही है, बता सकते हैं आप किसी व्यक्ति को। सो थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ पूछना हो। अगर इस वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक से हमको वीडियो बनाने का और मोटिवेट मिलता है, हम वीडियो बनाने में आगे रहते हैं। सो थैंक यू।